क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की अब लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हम। लास्ट एक्सरसाइज मतलब 4.3 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें यूज करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को पहले लिख देता हूं आपको। देखो उसमें आपको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम रूट्स निकालते हैं मतलब x की जो वैल्यू निकालते हैं वो अभी तक हमने सीखा किससे, फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, वही मतलब फैक्टराइजेशन या इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी बोलते हैं, उससे निकाली थी x की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू जो है मींस जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो इससे निकालना सीखेंगे, देखेंगे इसको। पहले मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x की वैल्यू निकालनी है मतलब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो किसके बराबर होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मींस इस मेथड से भी इस फार्मूला को यूज करके भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो या उसको बोल सकते हैं हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशंस आते हैं या जो रूट्स आएंगे या जो x की वैल्यू आएगी, ये तीनों एक ही चीज है ना, x की वैल्यू या उसको सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, तो हम रूट्स बोलते हैं उनको। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, दो होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने देखी थी दो आई थी ना x की वैल्यूज, तो दो वैल्यूज होती हैं, तो वो दो वैल्यूज आपको यहां से मिल सकती हैं। वो कैसे मिलेंगे देखो, उसको ध्यान से देखो। इधर आपको क्या मिल रहा है, x किसके बराबर है, माइनस बी, ये वाला कोफिशियंट बी जो है x का कोफिशियंट जो है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार आपको प्लस करना है, दूसरी बार आपको माइनस करना है, मतलब x की आपको दो वैल्यूज आ सकती हैं। यार इसको तोड़ के लिखें अकेला अकेला, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक x की वैल्यू हुई और दूसरी x की वैल्यू होगी b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो रूट्स हैं x की जो दो वैल्यूज आती हैं, इसी एक में ही लिखा था हमने, मगर इसको अगर खोलोगे आप अलग अलग करोगे, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप रूट्स निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग दिस फार्मूला, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखो हमने जो पहले जो एक्सरसाइज हमने डिस्कस की उसमें हमने जो मेथड यूज किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उन एक्सरसाइज में आपको सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दी थी जिसमें एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मींस एक्स सॉल्यूशंस आपको देगा, कोई रियल नंबर में कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई x की दो ऐसी वैल्यू होंगी जो इधर फिट होती थी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप वो निकालते थे। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती हैं जिनकी वैल्यू, जिनकी x की वैल्यू जो है या जिनके लिए जो रूट्स की वैल्यू है वो कोई रियल नंबर नहीं होगा, मींस रियल वैल्यूज की एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो उनको आप फिर मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं कर सकते, उधर से पता नहीं लगा सकते। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसको इजिली बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो पॉसिबल हैं, मींस रियल नंबर में निकलेंगे, और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल नहीं है, मींस रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी उनकी। और उसके साथ में हम बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एक्स की वैल्यू है, जो रूट्स की वैल्यू है, जो दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सेम होंगे, कब उसके रूट सेम होंगे, कब उनके रूट्स जो होंगे डिफरेंट होंगे और कब उसके रूट्स नहीं होंगे, ये तीन चीजें हम इससे बता सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो ये जो अंडर रूट में जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को देखो, इस वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इस वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव में आएगा, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव में आता है, मींस डी जो है इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो अंडर रूट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, रियल नंबर में कोई वैल्यू होगी, जीरो से बड़ी वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। तो अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है
मीन्स डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे और दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगे, क्योंकि एक बार आपको d के लिए जो अंडर रूट d है उसके लिए प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो दो वैल्यूज आएंगी जो अलग अलग होंगी। तो मतलब जब d आपका ग्रेटर देन जीरो है तो x की वैल्यू आएगी, रूट्स की वैल्यू आएगी और x की वैल्यूज होंगी टू डिफरेंट वैल्यूज होंगी, रियल नंबर होगा कोई और टू डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब देखो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी जो ये डिस्क्रिमिनेंट है अगर ये जीरो आता है, अगर आप जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो उसको अगर सॉल्व करते हुए आप जो ए बी सी की वैल्यू इधर भर के अगर उसको चेक करते हो ये जीरो आता है तो ये वाली वैल्यू पूरी खत्म होगी, ये वाली वैल्यू पूरी खत्म होगी। तो अब आपके पास एक्स की कितनी वैल्यू जाएंगी, माइनस बी प्लस माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो अपॉन टू ए। तो एक्स की वैल्यू जो दो वैल्यू जाएंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक्स की जो दो वैल्यू जाएंगी दोनों सेम रहेंगी। तो उस केस में D जब जीरो है उस केस में जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे आपके, मतलब x की वैल्यू जो होंगी रूट्स आर इक्वल, मतलब x की जो वैल्यूज आती हैं वो दोनों सेम होंगे। इस केस में रूट्स आर डिफरेंट और रियल होंगे, ठीक है। अब अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू d से कम आती है, सॉरी जीरो से कम आती है, d की वैल्यू इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d बोलते हैं, अगर ये लेस देन जीरो आता है, मतलब लेस देन जीरो का मतलब है जीरो से पीछे की वैल्यू, मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, मतलब नेगेटिव में कोई वैल्यू आती है। अब नेगेटिव वैल्यू का कोई भी स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि इस वैल्यू को अगर ये कोई नेगेटिव वैल्यू आती है अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, उस नेगेटिव वैल्यू का कोई भी स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी के बराबर नहीं आएगा, किसी भी वैल्यू का स्केयर जो होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को जब स्केयर करोगे आप तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दी जाएगी, नहीं आएगी, पॉसिबल नहीं होगी। तो उस केस में आपका जो अंडर रूट डी आएगा या अंडर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए से आएगा उसमें कोई भी रियल वैल्यू आपके पास नहीं अवेलेबल होगी, तो उस केस में एक्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। मीन्स जब डी आपका लेस देन जीरो होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो उस केस में आपका रूट्स जो होंगे वो रियल नंबर में नहीं आएंगे, मतलब रियल नहीं होंगे, ठीक है। तो रूट्स पॉसिबल नहीं है, सिंपल से आप बोलो है ना, नो रियल रूट्स, उस टाइम पे आपको नो रियल रूट्स मिलेंगे। रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यूज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स की कितनी वैल्यूज आती है वेरिएबल की, दो वैल्यूज आती है, ठीक है। तो ये केस है आपको, तो हम इस फार्मूले से सिंपली इसको अप्लाई करके हम ये चीज बता सकते हैं कि कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू डिफरेंट रूट्स आएंगे, मतलब x की कौन सी डिफरेंट दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, कब उसके रूट्स इक्वल आएंगे और कब उसके रूट्स नहीं आएंगे, मतलब नो रियल रूट्स आएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये तो हम पहले पता लगा सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से ही, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू से ही पता लगा सकते हैं कि आगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है तो कैसे है, टू डिफरेंट है या टू सेम है, ठीक है। तो इसी फार्मूले को यूज करके हमने पता लगाना है, इसमें 4.3 में एक्सरसाइज 4.3 में यही फार्मूला बार बार यूज होगा, ठीक है। आपको अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होंगी उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की रियल वैल्यू हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो वो पहले आपने पता लगानी है, ठीक है। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हमने पिछले एक्सरसाइज में की है सॉल्व, मतलब 4.2 जो है उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने की है, फैक्टराइजेशन मेथड से की है, तो उसमें सारी आपको इक्वेशंस ऐसी दी गई थी जो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जो एक्स की वैल्यू निकल सकती थी, मतलब रूट्स पॉसिबल थे उसमें। और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होंगी जो मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं निकल सकती हैं, तो उनके लिए आप फिर ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले के बेसिस पे ये एक्सरसाइज आपके सारे के सारे ये है, ठीक है। इसको देखेंगे वन बाई वन, तो डिस्क्रिमिनेंट आपको डिटरमाइन करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे कि नहीं होंगे। देखो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पहले सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है, मींस आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज करके पता लगाना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे या नॉट पॉसिबल, मीन्स नॉट रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। ये चीज आपने बतानी है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा सकते हैं। अगर उनके रियल रूट्स हैं, मींस उनके रूट्स पॉसिबल हैं, कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है एक्स की जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाती है,
तो आपको क्या करना है, वो रूट्स फिर निकालने हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं तो तब आप उस केस में वो रियल रूट्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको पता लगाना है कि इसके रूट्स कैसे हैं, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डी ये वाला b² - 4 ऐसी, डी किसके बराबर होता है, b² - 4ac। ठीक है, और इधर v क्या है, a पहले a b c सब लिख लो। आप देखो a इधर है आपके पास 2, b इधर है आपके पास -3 और c इधर है 5। अब ये वैल्यू आपको इधर भर देनी है। b कितना है, -3, -3 का होल स्क्वायर हो गया -4, a कितना है 2 और c कितना है 5। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 9, -3 × -3 कितना हो गया 9, -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ये आपके पास आ गया 40। b² - 4ac किसके बराबर आ गया आपके पास, 9 - 40, और इसको निकालो तो ये आ जाएगा -31। अब इस केस में देखो डिस्क्रिमिनेंट जो है, मतलब ये वाली जो वैल्यू आई है, दिस इज लेस देन जीरो, मीन्स लेस देन जीरो, तो ये वैल्यू, ये इसका, ये किसी का भी स्क्वायर जो होगा वो नेगेटिव नहीं आएगा, मीन्स ये रूट कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो आपको कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, मतलब नेगेटिव का स्क्वायर कोई भी होगा वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, -31 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जब भी स्क्वायर करोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव वाले की पॉजिटिव, -(-) करना पड़ता है स्क्वायर में तो पॉजिटिव, तो ये रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो उसके केस में क्या होगा, जब डी आपका लेस देन जीरो होता है तो नो रियल रूट्स, उसमें कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, मींस एक्स की कोई भी ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट, आपने डिस्क्रिमिनेंट यूज करके, डिस्क्रिमिनेंट से पता लगा लिया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आएगी, मतलब रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, तो नहीं आएंगे, डी इज लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या आपको 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहां पे भी आप पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लो, ए कितना है आपके पास 3, बी आपका -4√3, ये b की वैल्यू है और c कांस्टेंट टर्म, c आपके पास 4। ठीक है, अब इसमें भी पहले पता लगाना है आपको कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या नॉट रियल, तो वो कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया b² - 4ac, तो b कितना आ गया इधर -4√3² - 4 × ac, a कितना है 3 और c कितना है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 48 और 3 = 12 और × 4 = 48। ठीक है, अब ये वाला देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सीधा, 4 का स्क्वायर 16 × 3 आ जाएगा, 16 × 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ये बन गया 48, 48 - 48 कितना आ गया 0। तो अब क्या हो गया आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो गया तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस वाली वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तो कोई भी आपको प्लस नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना, तो आपको एक्स की दोनों वैल्यूज कैसे आएंगी, -b/2a के बराबर आ जाएंगी, तो ये रूट्स दोनों सेम हो जाएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की जो दो वैल्यूज आती है वो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू 0, तो रियल रूट्स हैं और इक्वल रूट्स हैं, टू इक्वल रियल रूट्स ऐसे बोल सकते हैं आप इसमें। अब तो फिर आपको ये निकालने भी हैं, टू इक्वल रियल रूट्स इसमें पॉसिबल है, डी जब 0 के बराबर होता है तो ये आपको निकालने भी हैं, आप मतलब एक्स की आपको वैल्यूज निकालने भी हैं। ठीक है, इसमें पॉसिबल है रूट्स, तो वो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फिर कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला एक्स किसके बराबर होगा -b + -√d / 2a, और d हमने निकाल लिया है,
डी हमारा कितना आ गया, जीरो आ गया। तो डी सीधा हम लिख लेंगे जीरो, ठीक है, मैंने साफ कर दिया, मगर आपने वो वाला डी डिस्क्रिमिनेंट, इसकी जगह पे आप डिस्क्रिमिनेंट भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ये भी लिख सकते, या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी भी लिख सकते। तो डी हमारे पास आ गया जीरो है, तो बाकी लिखेंगे इसका, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा यहां पे, एक्स हो जाएगा आपका, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, और माइनस बी कितना है, देखो माइनस बी फार्मूले में माइनस है, और बी की एक्चुअल वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस फोर रूट थ्री, ये फार्मूले का माइनस है, ठीक है, बी की एक्चुअल वैल्यू भी माइनस फोर रूट थ्री है, तभी ये पहले इनकी वैल्यू आपने अलग से लिख लेनी है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और प्लस माइनस जीरो जीरो रहेगा अपॉन टू ए, टू इंटू ए कितना हो जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स, तो यह आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस फोर रूट थ्री अपॉन सिक्स, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास टू टू जा फोर थ्री टू जा सिक्स, तो टू रूट थ्री अपॉन थ्री ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एक्स की आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की दो वैल्यूज होंगे, एक्स किसके बराबर हो गया आपका, टू रूट थ्री अपॉन थ्री, टू रूट थ्री अपॉन थ्री, ये दो रूट्स आ गए या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यूज आ गई एक्स के लिए सोल्यूशन, ठीक है, इस तरह से आपने वैल्यूज निकाल सकते हैं, एक्स की सोल्यूशन या रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। आप नेक्स्ट वाला देखेंगे, देखते हैं, देखो थर्ड आपको दिया है टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसमें भी ए बी सी लिख लो, ए कितना है टू, बी कितना है माइनस सिक्स, सी लिख लो थ्री, ठीक है, ये पहले आपको अलग कर लेने, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना सबसे पहले ये पता लगाने के लिए कि इसके रूट्स कैसे हैं, हैं भी कि नहीं भी, ठीक है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके बराबर हो गया, ए बी कितना आ गया माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है टू, सी कितना है थ्री, ठीक है, सिक्स सिक्स का स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, थर्टी सिक्स माइनस फोर टू एट थ्री ट्वेंटी फोर, ठीक है, थर्टी सिक्स में से ट्वेंटी फोर निकाले ट्वेल्व बच गया, दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू, तो अंडर रूट डी की कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, मीन्स ट्वेल्व आएगा आपका, तो यहां पे आपको एक बार आपको प्लस ट्वेल्व अंडर रूट ट्वेल्व करना है, एक बार माइनस अंडर रूट ट्वेल्व करना, तो इसका मतलब आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक्स की अब दो वैल्यू आएंगे, तो जब डी डी जब जीरो से बड़ा होता है तो उस टाइम पे टू अनइक्वल या टू डिफरेंट बोलो रियल रूट्स, ठीक है, टू डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल है, ठीक है, तो आप निकालो एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी हमारे पास आ गया, इस लिख लेते हैं, डी हमारे पास कितना आ गया, ट्वेल्व, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास, तो अब हम निकालेंगे एक्स के लिए वैल्यू सॉल्व करेंगे, एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, देखो एक्स किसके बराबर होगा, माइनस बी माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस सिक्स, माइनस सिक्स, ठीक है, ये फॉर्मूले का है, प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आ गया ट्वेल्व, ओके, अपॉन टू ए कितना हो गया फोर, टू इंटू टू फोर हो गया, ठीक है, ये आ गई एक्स की दो वैल्यूज, माइनस इंटू माइनस सिक्स आ गया प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन फोर, अब देखो एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन फोर, और दूसरा सिक्स माइनस अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन फोर, ठीक है, अब आप इस पर ट्वेल्व को तोड़ सकते हो, कितना आ जाएगा टू इंटू टू इंटू थ्री, प्राइम नंबर में लिखना होता नहीं, सिक्स प्लस अंडर रूट टू इंटू टू इंटू थ्री, टू टू फोर थ्री ट्वेल्व अपॉन फोर, और ये वाला भी सेम अंडर रूट टू इंटू टू इंटू थ्री, अब ये स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, इसका सिंगल टू बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिक्स प्लस टू रूट थ्री, थ्री अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना, तो अपॉन फोर
और ये वाला सिक्स माइनस टू रूट थ्री अपॉन फोर। ओके, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, सिक्स टू कॉमन ले सकते हैं हम इनमें से। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, टू कॉमन ले लो, पीछे क्या बच गया, थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री प्लस रूट थ्री, टू कॉमन आ गया दोनों में, अपान फोर, टू वन जो टू, टू टू जो फोर, टू से गया। और ये वाला इसमें भी टू कॉमन, टू थ्री माइनस रूट थ्री अपान फोर, ये भी तो ये आ जाएगा वो थ्री माइनस रूट थ्री अपान टू और थ्री प्लस रूट थ्री अपान टू। तो एक्स की ये दो वैल्यूज है, एक क्या वैल्यू है, थ्री प्लस रूट थ्री अपान टू और थ्री माइनस रूट थ्री अपान टू। तो एक्स की ये दो वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो ये इसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, इसको सेकंड क्वेश्चन देखो, इसे बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब इन सभी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि टू इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डी आपका जीरो के बराबर होता है, डी जब जीरो हो जाता है, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाता है, तब मैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है, तब इक्वल रूट्स होते हैं। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो उन दोनों में और उसको जीरो के बराबर कर लो, और जीरो से कर लोगे तो के लिए सॉल्व करो, निकल जाएगी। ठीक है, देखो इसका पहला पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें ए कितना आपका टू है, बी आपका के है और सी आपका थ्री है। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसके बराबर होता है, और इधर बी कितना है, के स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए सी थ्री टू जा सिक्स, फोर जा ट्वेंटी फोर। ठीक है, ये आपके पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स हैं इसमें, देयरफॉर डी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और के स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ट्वेंटी फोर के, और k की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ट्वेंटी फोर। ठीक है, अंडर रूट ट्वेंटी फोर कितना आ जाएगा, ये प्लस माइनस भी कर सकते, प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फोर। तो ये इसको करो प्राइम नंबर में लिखो, प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फोर को थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू टू आ जाएगा ना, टू इंटू टू फोर इंटू टू एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर। ठीक है, इसमें से ये दो बाहर निकल जाएंगे, इनके दो से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू प्लस माइनस टू अंडर रूट सिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट टू अंडर रूट सिक्स। ठीक है, के की वैल्यू आ गई आपके इसमें, देखो इसमें आप दोनों वैल्यू भर सकते हैं, के प्लस टू रूट सिक्स या माइनस टू रूट सिक्स, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज इधर देखने वाली है, ये मैंने इधर प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, के स्क्वायर जब स्क्वायर उस तरफ गया तो अंडर रूट ट्वेंटी फोर, प्लस माइनस क्यों लिखते हैं इसमें, देखो जो ये वाला है माइनस ट्वेंटी फोर जो है, देखो माइनस का स्क्वायर भी जो होगा वो भी प्लस में आता है, और प्लस का स्क्वायर भी जो होगा वो भी प्लस में ही आता है। तो ये दोनों हम इसको द्वारा से स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग करो और इस पोर्शन को भी स्केयरिंग करो, तो ये द्वारा से 24 बन जाएगा, ये के स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस का होगा। अगर देखो ये प्लस अंडर रूट ट्वेंटी फोर का स्केयर करोगे तब भी ट्वेंटी फोर आएगा, और माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फोर का होल स्केयर करोगे तब भी आपके पास प्लस आएगा। ठीक है, तब इसको जब स्केयर को उस साइड लेके जाते हैं प्लस माइनस कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि
पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, दोनों के लिए स्केलिंग जो होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें भी आपको के की वैल्यू निकालनी है। के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले ये तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो पहले, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, के इंटू है ना, के को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। आप देखो ये सेंटर वाली टर्म एक्स वेरिएबल में, के यहाँ पे कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, ये वाली कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ए बी और सी लिख देने हैं। तो ए कितना आ जाएगा आपके पास के, और बी आ जाएगा माइनस टू के, और सी आ जाएगा आपके पास सिक्स। ठीक है, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्योंकि इसमें इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए सॉल्व करोगे इसको तो के की वैल्यू आ जाती है। तो डी हमारा कितना है, जीरो के बराबर है, क्योंकि इसके इक्वल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो डी किस वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। और बी स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस टू के माइनस फोर, ए कितना है के, और सी कितना है सिक्स, सिक्स इंटू फोर कितना हो गया ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फोर के बन गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब ये कितना बन गया, माइनस टू के, टू टू जब फोर माइनस का प्लस का हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो। देखो अब इसको के कॉमन कर लो, अब के कॉमन कर लेंगे, पीछे क्या बच गया, फोर के माइनस ट्वेंटी फोर। अच्छा इसमें आप फोर भी कॉमन कर सकते हो ना, फोर भी फोर के कर लो, पीछे कितना बच गया, ये के माइनस सिक्स। ठीक है, ये बच गया इज इक्वल टू जीरो। याद करो जब मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते थे तो हम इन दो फैक्टर्स को जीरो के बराबर पोस्ट कर लेते, या तो ये जीरो के बराबर है या तो ये जीरो, क्योंकि दोनों का मल्टीपल जो है मल्टीप्लाई करके दोनों जीरो आ रहे हैं, तो या तो ये वैल्यू जीरो के बराबर है या ये वैल्यू जीरो के बराबर, दोनों को जीरो के बराबर कर लो, फोर के जीरो के बराबर, के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फोर के इधर से आपको क्या मिल रहा है, के आपको जीरो पॉइंट फोर मतलब जीरो, और इधर से के माइनस सिक्स से आपको के क्या मिल रहा है, के आपका सिक्स के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप के की वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दो वैल्यू आ जाएंगे के की, जीरो और सिक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसमें आपको इक्वल रूट्स दिए हुए हैं इन्होंने, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।